बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में जहानाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। जहानाबाद जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की कड़ी में एक जागरूकता रथ रवाना किया गया। ये रथ जिले के हर पंचायत के हर बूथ तक पहुंचेगा। इस बार इस रथ का विशेष ध्यान दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के प्रति रहेगा। कोरोना काल में मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान की प्रक्रिया को सुचारू संपन्न कराने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम किया गया है। दिव्यांग मतदाता अब घर से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। इसी बात की जानकारी हर दिव्यांग मतदाता तक पहुंचाने के लिए ये रथ रवाना किया गया है। सुनिए जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी नवीन कुमार ने इस रथ के बारे में और इसकी भूमिका के बारे में क्या जानकारी दी है। आज दिव्यांगजनों के को उनके वोट के बारे में जानकारी देने और इस बार जो चुनाव आयोग ने एक सुविधा दी है दिव्यांगजनों को कि वो बैलेट पेपर के माध्यम से घर से भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोगों ने आज सुगम रथ यहाँ से रवाना किया है जो प्रत्येक पंचायतों में जिले के प्रत्येक पंचायतों में प्रत्येक बूथ पे जाएगा और दिव्यांग लोगों से उसमें हमारे बुनियाद केंद्र के और सामाजिक सुरक्षा के कर्मी रहेंगे जो दिव्यांग लोगों से मिलकर उन्हें बताएंगे कि इस बार जो वोटिंग देना है वो घर से भी वोट दे सकते हैं या अपने निकटतम बूथ जो है वहाँ पर आपके वोट दे सकते हैं। उन लोगों को जागरूक किया जाएगा या बताया जाएगा कि वोट उनका अधिकार है और निश्चित रूप से वो आकर वोट दें। उनकी जो संख्या यहाँ पे है करीब करीब 7,000 के लगभग जहानाबाद जिले में है और वो लगातार बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको इस रथ के माध्यम से प्रेरित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएंगे उनका और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। तो इस कोरोना महामारी में वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कह रहा है? कोरोना महामारी में जो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है उसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों ने एक स्वीप प्रसांग बना रखा है जिसकी प्रभारी यहाँ के वरीय उप संभागता हैं और डीडीसी उसके वरीय प्रभारी हैं। लगातार प्रसांग के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और ऑडियो एक रथ दिया हुआ है जो लगातार यहाँ की आम भाषा में मगही भाषा में लोगों को प्रेरित कर रही है कि सभी लोग मास्क पहन के और वोट करने आए। मास्क पहन के अपने जैसे हम लोग दैनिक कार्य का निपटारा कर रहे हैं इसी तरह मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग बना के वोटिंग करने आए। बूथ पे सारे तरह के प्रिकॉशंस रखे रहेंगे, वहाँ पे मास्क रहेगा, वहाँ पे सैनिटाइजर रहेगा, हाथ धोने का साबुन होगा और सब सारी व्यवस्था के साथ हम लोग बूथ वोट दिलवाएंगे।